अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं अपना आज के ब्लॉग में अपने इयर रिंग्स कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरे इयर रिंग्स कलेक्शन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे इयर रिंग्स कैसे लगे और आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। और जाते जाते जाने से पहले मैं आपको कुछ कमेंट्स हैं जिनका जवाब मैं वीडियो में नहीं दे पाई थी, तो मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। पहला कमेंट है एम डी तोबा खान ने कहा है, गुलफ्सा जी मेरी भतीजी का बर्थडे है 20 अगस्त, नाम तोबा खान, हैप्पी बर्थडे आपकी भतीजी को मेरी तरफ से। और सॉरी, मैं आपकी भतीजी को 20 अगस्त को बर्थडे विश नहीं कर पाई। आज की वीडियो में मैं उसका बर्थडे विश कर रही हूँ। तो और सेकंड कमेंट है, नेक्स्ट व्लॉग में मेरा नाम लेना डियर, इनका नाम है गुड खान। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग में कमेंट करने के लिए और मेरी वीडियो देखने के लिए। तीसरा कमेंट है, कमेंट में लिखा है कि डियर गुलाबसा, प्लीज़ मेरा नाम अगली वीडियो में ज़रूर लेना। थैंक यू सो मच मेरे लिए कमेंट करने के लिए और मेरी वीडियो देखने के लिए। और तो इस कमेंट के व्यूअर्स का नाम है हीवा खान। थैंक यू सो मच। और चौथा कमेंट है, गुलफ्सा रोज़ ब्लॉग बनाया करो और अगली वीडियो में मेरा नाम लेना, और इनका नाम है रुखसार खान। थैंक यू सो मच मुझे कमेंट करने के लिए। और तो आप ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें और मेरे ब्लॉग को पसंद करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू रुखसार खान, आप बहुत प्यारी हो। ये है पांचवा कमेंट, आप बहुत प्यारी हो, प्लीज़ अगली वीडियो में मेरा नाम लेना, आई एम आरजू। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में अपना कमेंट करने के लिए और मेरी वीडियो देखने के लिए। तो अगली वीडियो में आप ज़रूर कमेंट करना और बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ये आज की वीडियो मैंने अपने इयर रिंग्स आपके साथ शेयर करे हैं, तो मुझे ज़रूर बताना। और भी कुछ वीडियोस हैं जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। ये है मेरा इयर रिंग्स कलेक्शन, आप लोग देखिए आपको मेरा इयर रिंग्स कलेक्शन कैसा लगा। और आप लोगों को अगर मेरा इयर रिंग्स कलेक्शन अच्छा लगा हो, आप मेरे इयर रिंग्स एक पीस देखना तो फिर बताना। और मेरे ये सारे इयर रिंग्स मेरे हैं और मुझे इयर रिंग्स पहनना बहुत पसंद है, इसलिए ज़्यादातर मेरे पास इयर रिंग्स ही हैं। और मुझे हर डिज़ाइन के अलग अलग तरीके के इयर रिंग्स पहनना बहुत पसंद है। ये मेरे टॉक्स हैं जो मैं डेली यूज में पहनती हूँ। और ये बड़े बड़े इयर रिंग्स हैं, मैं शादी फंक्शन पार्टी या इतवार वगैरह पे पहनती हूँ, वैसे नहीं पहनती। ये मेरे आप मुझे बताना मेरे इयर रिंग्स कितनी जोड़ी हैं, और फिर मैं मुझे आप बताना कितनी जोड़ी हैं मेरे इयर रिंग्स, तो देख के ज़रूर बताना। और तो मेरे यही इयर रिंग्स हैं, मुझे पता नहीं इयर रिंग्स पहनना कितना पसंद है मुझे।
मैं जब भी कहीं भी मेले वगैरह में जाती हूँ तो मैं इयररिंग्स ही देखती हूँ और खोजती हूँ कोई अलग डिज़ाइन की मुझे इयररिंग्स मिले, तो मुझे कुछ अलग मिलता है तो मैं ज़रूर लेती हूँ। स्कूल से आने के बाद अगर मम्मी की सिलाई का कुछ काम होता है तो मैं कर देती हूँ, और अभी मम्मी बीमार रहती हैं इस वजह से मम्मी थोड़ा बहुत काम, मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प मैं ज़रूर करती हूँ, और अभी मम्मी पे ज़्यादा बेटा नहीं जाता, मम्मी की कमर में बहुत दर्द रहता है। तो मैं स्कूल से आने के बाद आई थी तो घर पर दो कुछ कस्टमर बैठे थे और हाँ, तो उनकी वो साड़ी लेके आए थे, साड़ी पे पिको करनी थी तो मैं साड़ी पे पिको कर रही हूँ, और मैं साड़ी पे पिको फॉल और भी सिलाई का बहुत सा काम है जो मैं कर लेती हूँ, बट मैं परफेक्ट नहीं हूँ सिलाई में, सिलाई कर लेती हूँ बट मम्मी ऐसी नहीं कर पाती। बड़ी टेलर हैं और मम्मी बहुत, मेरी मम्मी बहुत अच्छी सिलाई करती हैं, उनसे आप चाहे ऐसे कपड़े सिलवा सकती हैं, गाउन स्टाइलिश कपड़े, चाहे ऐसे आपको जो सिलवाना, हमारे घर पे बहुत दूर दूर से कस्टमर आते हैं और हमारी ये दुकान बहुत पुरानी दुकान है, तो और हमारे यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ सिलाई सीखने भी आती हैं, और हम ये फॉल अस्तर वगैरह भी बेचते हैं, हमारे ये फॉल हुए अस्तर हुए और गिटक रील सुई और जो सिलाई का बहुत सा सामान होता है हम सब कुछ बेचते हैं, और ये हमने फर्नीचर लगवाया है स्टोर खोलने के लिए, और मैं जा रही हूँ, यह हमारी गली है, हमारे मोहल्ले की गली है, और हमारी गली में एक सब्ज़ी का ठेला लगता है, मैं यहाँ वहाँ पर सब्ज़ी लेने आ रही हूँ, तो ये है सब्ज़ी पास में ही है घर से, तो मैं यहाँ सब्ज़ी लेने आई हूँ। मम्मी ने कहा था कुछ हरी सब्ज़ी लेके आओ, तो मम्मी ने कहा था अगर तो तोरी मिल जाए तो तोरी ले आना, अगर लौकी मिल जाए तो लौकी, तो मैं लौकी लेके जाऊंगी, लौकी देख रही हूँ यहाँ पर, और तो मैंने लौकी दे दी तोलने के लिए, मैंने आधा किलो लौकी लिया है, और मैंने और मिर्च ली है, मिर्च लूँगी तो मैंने मिर्च ले ली, और मैं उनसे पूछ रही थी इसका भाव क्या है, तो मेरे साथ साथ अक्सरा भी सब उनको परेशान कर लेती, सब चीज़ का भाव पूछ रही उनसे, अंकल से, तो अंकल कह रहे वो अंकल ने कहे ठीक है, अंकल को परेशान कर रही थी बार बार कहीं किसी चीज़ को उठा, कहीं भिंडी का उठा के भिंडी का भाव पूछे, कहीं किसी चीज़ को उठा के किसी चीज़ का भाव पूछे, तो अब हम जा रहे हैं घर पर लुट कर, ये हमारे घर की गली है और हमारे बगल में जस्ट ये परचून की दुकान है, तो हम घर में आ गए हैं, और मैं मम्मी को दिखा रही हूँ, देखो मम्मी ये मैं लौकी लेके आई हूँ कैसी है, और तो अब शाम के टाइम मम्मी ने कहा, मम्मी दिन में नहाई थी तो मम्मी के दिन भर से बाल, मम्मी हमेशा मुझसे ही छोटी करवाती हैं, और ठीक थी तब भी मुझसे करवाती थी, मगर अब तो उनकी दर्द रहता है तो वो ज़्यादा हाथ वगैरह ऊपर नहीं कर पाती हैं अपने, ऐसे तो उन्होंने अगर मुझे टाइम नहीं देता तो, वैसे तो हमेशा मैं ही करती हूँ अम्मी की चोटी, क्योंकि इन्हें घस के चोटी करवाना पसंद है मुझे थोड़ी, और घस के चोटी करवाना तो वो मुझसे ही करवाती हैं, मैं हमेशा अम्मी की चोटी करती हूँ, तो आज मैं स्कूल से आने के बाद बहुत सा काम था तो अम्मी भी लेट आई थी, तो मैंने अम्मी की, तो अम्मी ने कहा मेरी चोटी कर दे, तो मैंने अम्मी की चोटी कर रही हूँ, मैं अच्छे से अम्मी के बालों में खूबसूरत तेल डाल के, तेल डलवाती हैं अच्छे से, मालिश करवा के मम्मी की मालिश करके मैंने वो के चोटी कर दी उनकी, हमारी अम्मी के बाल देखो आप देख सकते हैं कितने लंबे, अब तो बीमार हो गई हैं तो बहुत सारे बाल झड़ गए हैं, वरना उनके बहुत लंबे और मोटे बहुत घने बाल थे, अम्मी के बराबर हमारे घर में किसी के बाल नहीं थे हैं, और ना मेरे हैं, मेरे तो बहुत छोटे छोटे, मेरे घुंघराले बाल हैं तो और ज़्यादा छोटे वाले हैं, और बाजी के बाल पहले बहुत बड़े थे, और बाजी की मम्मी हमेशा दो चोटी करती थी गोके, और
उनकी ये दो चोटी भी बहुत अच्छी लगती थी। मेरे बाजी के फोटो हैं पुराने, उनमें बाजी की दो चोटी हैं।